कि हमें ब्रेक लगाना चाहिए पहले कि क्लेच दबाना चाहिए। इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाया जाता है वो हमें कैसे मालूम होगा कि जो हम इमरजेंसी ब्रेक लगा सकें। कैसे ब्रेक लगाएं, पहले क्लेच दबाएं या ब्रेक, या पहले ब्रेक दबाएं या क्लेच, कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे ब्रेक लगाना चाहिए। ट्रैफिक में हम गाड़ी चला रहे हैं उस सिचुएशन में हमें पहले क्लेच दबाना चाहिए कि ब्रेक दबाना चाहिए, कि ब्रेक दबाना चाहिए कि क्लेच दबाना चाहिए। हाईवे वगैरह पे हम चला रहे हैं गाड़ी 70-80-100 की स्पीड में, तो हमें पहले क्लेच दबाना चाहिए कि तब ब्रेक लगाना चाहिए। दो प्रकार से हम ब्रेक कैसे लगा सकते हैं, एक तो इंजन से हम कैसे गाड़ी को कंट्रोल करें और हम अपने ब्रेक को कैसे यूज करें जो कि हमारी गाड़ी बहुत आसानी से जल्दी कंट्रोल हो सके। हेलो भाई और बहनों, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने रहा हूं। जैसे कि हम जब नए बिगनर होते हैं तो हमें ब्रेक लगाने में दिक्कत होती है, तो गाइस आज मैं आपको ऐसे चार तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हो। तो वीडियो को पूरी जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो गाइस नंबर एक पहला तरीका क्या होता है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रेकिंग। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ा बहुत देख रहे हैं आप यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक है, तो इस तरीके से जैसे कि मेरी गाड़ी चल रही है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से जैसे गाड़ी गाइस हमें जब रोकनी होती है तो हम क्या करते हैं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब भी हमें कहीं गाड़ी रोकनी है तो हम क्या करते हैं कि पहले क्लेच दबाएंगे और फिर ब्रेक दबाएंगे और इस तरीके से आपकी गाड़ी रुक जाएगी, तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्रेक। इस तरीके से आपकी गाड़ी रुक जाएगी, जैसे कि कहीं हल्का फुल्का ट्रैफिक है या कहीं पे जाम वगैरह है, तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को आराम से रोक सकते हो। तो इस तरीका जो नंबर वन तरीका होता है तो ये होता है आराम से गाड़ी रोकने का। नंबर दूसरा जो कि पेनिंग ब्रेकिंग होती है, देखिए गाइस जब हम कहीं अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उस सिचुएशन में हमें कैसे लगाना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए। देखिए गाइस अभी गाइस यहाँ पे हमारी नॉर्मल गाड़ी चल रही है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं पेनिंग ब्रेकिंग। जैसे कि तुरंत ब्रेक लगाएं या पहले क्लेच दबाएं या ब्रेक दबाएं। अभी इस जगह पे जैसे सपोज करिए हमें गाड़ी रोकनी है, कोई अचानक से आ गया है सामने से, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, पहले क्लेच फिर ब्रेक, तुरंत इस तरीके से हम अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। इससे क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कोई सामने से अचानक कोई आ गया, तो इस सिचुएशन में हम इस तरीके से पहले क्लेच ब्रेक लगा के खड़े हो जाएंगे। और सपोज करिए कि कहीं स्पीड में हो 70-80 की स्पीड में, तो उस सिचुएशन में हम इस तरीके से ब्रेक नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि इस तरीके से गलत है, पीछे से कोई आएगा तो आपकी गाड़ी में हिट कर जाएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल आप कर सकते हैं ट्रैफिक वगैरह में या हल्के फुल्के ट्रैफिक में। इस तरीके से आपको गाड़ी जब रोकनी है तो पहले क्लेच दबाएं, तुरंत ब्रेक दबा दें। इससे क्या होता है गाड़ी आपकी रुक जाती है, तो इसको कहते हैं पेनिंग ब्रेकिंग। इससे क्या होता है गाइस कि आपको कभी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरीके से आपको दूसरा तरीका आना चाहिए। तीसरा तरीका का गाइस क्या होता है, जैसे कि हाई स्पीड ब्रेकिंग। जब हम हाई स्पीड की ब्रेक लगाते हैं, आपको पता हो गया होगा कि हाई स्पीड में जब ब्रेक लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अपनी गाड़ी की स्पीड मैं बढ़ा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी स्पीड में गाड़ी मेरी है, अब इस सिचुएशन में मुझे कैसे ब्रेक लगाना है। देखिए गाइस आपको डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, तुरंत क्लेच दबा के गियर चेंज करना है, उसके बाद हल्का ब्रेक लगाना है, फिर क्लेच दबा के आराम से फिर जाने देना है और जाते रहने हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी नॉर्मल होती जाएगी और आराम से धीरे 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 अपना ब्रेक लगा सकते हो। ये तो हाई स्पीड में जब गाड़ी आपकी हो, तो उस सिचुएशन में आप गाड़ी को आराम से कहीं रोकना चाहते हैं या कहीं हाईवे वगैरह पे हैं, स्पीड ओवर है, आपको आराम से जल्दबाजी में गाड़ी रोकनी है, तो आप आराम से गियर चेंज कर सकते हो। गियर चेंज करते करते अपनी गाड़ी को आराम से रोक सकते हो, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको जो है ब्रेक नहीं लगाना है, आप तुरंत काम करोगे, ठीक है। देखिए मैं कैसे बताऊँ, सपोज करिए आपकी गाड़ी चल रही है, आपने क्या करना है, तुरंत क्लेच दबाया, फाइव में हो फोर्थ में आए, फिर जाने दिया गाड़ी को, फिर हल्का ब्रेक लगाए, फिर तुरंत क्लेच दबाए, थर्ड गियर में आ गए, उसके बाद आराम से जब आपकी गाड़ी नॉर्मल आ जाएगी तो आपको गाड़ी जब आपकी गाड़ी बंद होने के तादाद में हो तो आप तुरंत आराम से ब्रेक लगा सकते हैं क्लेच दबा के। इस तरीके से आपको गाड़ी आपकी रुक जाएगी। अब चौथा तरीका गाइस क्या होता है, वो होता है कि इंजन
ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग कैसे होता है गाइस, देखिए जब हम गाड़ी को अपनी रोकना चाहते हैं हाई स्पीड में होती है तो हम क्या करते हैं कि आराम से कुछ इस तरीके से हम ब्रेक लगाते जाते हैं और आराम से हमारी गाड़ी हल्का हल्का झटके देने जब लगे तो हम पूरा क्लच दबा लें और आराम से हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से रुक जाएगी। इसको कहते हैं हम इंजन ब्रेकिंग। तो ये गाइस कैसे हमको रोकना है, जैसे मान लीजिए कि 70-80 की स्पीड में हम 100 की स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी, उस सिचुएशन में हमें गाड़ी रोकनी है तो हमें कैसे गाड़ी रोकनी है। तो गाइस आपको बहुत आराम से गाड़ी रोकनी है, पहले ब्रेक लगाना है और उसके बाद जब आपके गाड़ी झटके देने लगे तो क्लच दबा के आप अपने गियर को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हाई स्पीड ब्रेकिंग जो हम आराम से अपनी गाड़ी को कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग। तो इस तरीके से आपको मैंने चार तरीके बताए हैं। लास्ट वाला गाइस ये है कि जब आपको इंजन ब्रेकिंग होती है तो इससे गाइस आपकी दो प्रकार से गाड़ी रुकती है, पहली तो आप ब्रेक लगाते हैं, दूसरा आपके गाड़ी का जो क्लच नहीं आप लगाते हो या जैसे कि गियर बॉक्स के इंजन रोकता है। तो दो प्रकार से, एक तो ब्रेक रोकता है, एक इंजन रोकता है, तो इसको दो प्रकार से ब्रेक कहते हैं। इसको आराम से आपकी गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रुक जाएगी और जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन हो जैसे हाईवे वगैरह पे हो और स्ट्रीट में आपकी गाड़ी चले तो इस तरीके से इंजन ब्रेकिंग आप कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया चार ऐसे टॉपिक बताए हैं कि जो कि अपनी गाड़ी में आप यूज करेंगे, जो कि हमारे नए बिगनर होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है ब्रेकिंग के समय। तो मैं आपको ये चीजें क्लियर करके बताया हूं कि आपको कैसे ब्रेक लगाने हैं सही तरीके से, तो आपको समझ में आ गए होंगे चारों फार्मूले। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी प्रकार से जानकारी हो या चाहिए या कोई भी सुझाव चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक लोगों के बाय, जय हिंद।